Subscribe to my channel Neha Preet. It's free to subscribe and hit the bell icon and never miss my any video. Hello guys, welcome to my channel and this is Neha. और आप लोग के सामने आज मैं Vega का हेयर ड्राई लाई हूँ, उसका रिव्यू आप लोग के सामने करूंगी, जो कि फ्रेंड मेरा वो बहुत ही ज्यादा फेवरेट ब्रांड है. मैं इवन मेकअप का ब्रश, हेयर कर्लर और अपना ड्रायर, ये तीनों Vega का ही है मेरा, मुझे अच्छा लगता है. और फ्रेंड मैं Vega का प्रोडक्ट, ये जो हेयर ड्रायर, दो दिन पहले लाई, तो इस टाइप के पैकेजिंग के साथ कुछ ही आता है. ये व्हाइट कलर का पैकेजिंग है, कार्डबोर्ड पैकेजिंग, और ये आपको बबल रैप करके आता है फ्रेंड, तो इसकी पैकेजिंग ठीक है. और ये जो इसके अंदर हेयर ड्राई ब्लैक कलर का फ्रेंड है, काफ़ी ज़्यादा फाइन है इसमें, ये ड्यूब नहीं है, मतलब कि Vega का डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं, ओरिजिनल है. एंड इसके वायर का क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. और ये ड्रायर आपको ओनली एंड ओनली 1800 रुपीज़ का अमेजोन से मिल जाएगा. और इसे फ्रेंड आपको दो हीट सेटिंग, दो कोल्ड सेटिंग है. और इवन आप इस बटन से आप जब कोई हेयर अपडो या फिर कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हो, तो इससे आप एयर पास करा के, कोल्ड एयर पास होता है, उससे आप उसको मतलब लॉक कर सकते हो, वो ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी, वो स्टे रहेगा, बहुत लॉन्ग लास्टिंग करता है उससे, तो ये काफ़ी अच्छा है. और ये फ्रेंड ये देखिए यहाँ पे हैंग करने वाला बना है, आप इसको कहीं भी हैंग करके इसको रख सकते हैं आराम से. बैक में देखिए नेट है, इससे आपके बाल इसमें बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे. बहुत क्या होता है, अगर ये नेट नहीं रहेगा तो आपके बाल इजीली वो इसमें जाके फंस सकते हैं. और ये काफ़ी पतला पतला दिया है, इसमें कोई चांस नहीं कि आपके हेयर जाके इसमें अटके. दूसरा फ्रेंड आपको दो नोजल भी मिलता है इसमें, काफ़ी अच्छा नोजल की क्वालिटी, मतलब ओवरऑल इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आई. हाँ फ्रेंड ये थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, ओके है. और ये थोड़ा स्पेस ज़्यादा लेता है, अगर आपको कहीं स्टोर करना है तो ये फोल्ड नहीं होता. लाइक मैं इसके पहले एक नोवा का हेयर ड्रायर आप लोग के सामने रिव्यू की थी, वो फोल्डेबल नहीं था, तो उसमें क्या था कि वो स्टोर काफ़ी ईजिली वन हो जाता, कहीं भी इसको स्टोरेज कर सकते हो. और ये जो है आप ट्रैवल करते समय स्टोर नहीं होगा, आपको इतना बड़ा स्पेस लेगा ही लेगा आपको उसको रखने के लिए, तो ये इसकी मुझे डिमेरिट लगी. बात बाकी चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगी. और क्या फ्रेंड ये जो है, जब भी आप एक्सेस हीट करते, मतलब आप अपना हेयर ड्राई कर रहे हो, वो कंटिन्यू अगर आप करते रहोगे, तो बहुत ड्राई में होता है कि आपका बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, जिससे कि बाल को डैमेज कर सकता है. बट इसमें क्या फीचर है, ये खुद पे खुद ऑफ हो जाता है सर्टेन पॉइंट के बाद. अगर ये एक्सेस हीट होने लगता है, ये अपने आप बंद हो जाएगा, आपको बंद करने की जरूरत नहीं है. तो इससे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रहता है और बाल को डैमेज नहीं पहुँचाता है. तो इसलिए मुझे ये हेयर ड्रायर बहुत अच्छी लगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये हेयर ड्रायर लेना चाहते हो, तो ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको, और कोई भी ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे भी मिल जाएगा, वहाँ से चाहे तो ले सकते हो. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.